if you need to have strong intuition, you need to have strong knowledge. Now, management by intuition means you have to have very solid background knowledge, very solid technical skills as well. So beware of our weakness, which is we are very poor learning from the past. This is for engineers specifically. And our weakness is being an engineer. Our weaknesses are what? How to improve our management intuition. That is one thing. और मैंने आपको बता दिया technology की technical skills के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को equipped करना ही हमारी intuition को strong करेगा. और फिर should you fully utilize your past information to update both current beliefs and future predictions. अब current beliefs technologically advancements, future predictions उनकी बुनियाद से क्या organizational goals हैं. तो we are active learners but tend to filter information to confirm our opinions. That is the most बस फनल होती है और फनल जो है ना बड़ी लिमिटेड है इंजीनियर्स की, उनमें से मखसूस नॉलेज ही पास कर सकते हैं. हमें वो फनल थोड़ी सी प्रॉट करनी है. दैट इज़ वन की पॉइंट दैट वी आई वांट टू शेयर विद यू. सेकंड, हम लोग अनबाइस्ड इनसाइट अबाउट करंट स्टेट ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम अवेलेबल डाटा ये करते हैं. यानी वी आर फ्रिक्वेंटली पुअर ऑब्जर्वेशनल स्टैटिशियंस. ज़्यादा अच्छी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं कर पाते. करंटली जो हमारे साथ कराची के अंदर इंजीनियर्स के साथ प्रॉब्लम है ना, हमारे पास स्टैटिस्टिकली हम इक्विप्ड नहीं हैं. इसलिए अब डोंट नो वेज रूल, बहुत से लोगों बहुत से इंजीनियर्स को नहीं पता होगा वेज रूल. और ज़्यादा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में वेज रूल बहुत अप्लाई होता है. आपको पता करना पड़ता है कि किस तरह से क्या कर्व बैठ रहा है. अभी आप देखें ना कोरोना वायरस चल रहा है, तो अब कोरोना वायरस का जो बेल शेप कर्व कितनी बात हो रही है. वो बेल शेप कर्व की जो पीक आती है उसको फ्लैट करना है, वो स्टैटिस्टिक्स से पता चलेगा ना. फ्लैट कैसे होगा वो स्टैटिस्टिक्स बताएगी, वो ये चीज़ों पर फोकस करेंगे तो फ्लैट होगा कर्व. तो देखना स्टैटिस्टिक्स का बड़ा अमल दखल है और मैनेजमेंट के रोल्स में भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत अमल दखल है. और फिर रिलक्टेंट टू गिव अप प्रायर बिलीव्स. पहले जो काम करते हैं उसी पे स्टक रहते हैं, उसी पे करते रहते हैं. भाई छोड़ दो, आगे दिन के चली गई है, आगे की चीज़ों को देखें आप. इवन इन द लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन भी पिछली चीज़ों को नहीं छोड़ रहा है अगर, तो फिर कैसे. इतने कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए एक इंजीनियर को. दैट इज़ द मेन पार्ट. ये मेरी आपको है कि आप इन चीज़ों पर ज़रा फोकस करें. और लर्नेबल स्किल्स जो आपको सीखने चाहिए वो कौन कौन से हैं. मैनेजमेंट नॉलेज सीखें आप, ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स. सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात है इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें. और फिर बाकी ईमानदारी जो तीन चीज़ें मैंने लिखी हैं इसको भी स्ट्रॉन्ग करें. फिर आप डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएँ, टूल्स की तरफ जाएँ. व्हाट इफ एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आप सीखें. आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट आनी चाहिए. आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और टूल्स पे काम बनाना चाहिए. और प्रॉब्लम सॉल्विंग, रूट कॉज एनालिसिस है, डिसीजन ट्री है, ऑप्टिमाइजेशन है, इन सब चीज़ों को भी आप सीखें साथ साथ. अब फ्रेडरिक विंस्लो टेलर एक साहब थे, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट निकाला था 1911 में. उसी साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट बेस करती है पूरी की पूरी. और उन्होंने ये कहा था रिप्लेस रूल ऑफ, यानी होता है ना आजकल ऑर्गेनाइजेशन में रूल ऑफ थंब यही चलता है, यही होता है. नहीं, ऐसा नहीं है. उसको आप रिप्लेस करें साइंटिफिक स्टडी और टास्क से. इन्होंने ये कहा, ये बोला था. और ये भी कहा था कि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उसको अप्लाई करें वर्क प्लानिंग के अंदर खासतौर से. तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट समरी क्या हुई हमारे पास, जो हमने सीखी कि इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, ये सबसे पहला टास्क है हमारा. कि टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन तो हो रही है ना, अब दूसरे करें इससे बेहतर है कि हम कर दें और उसको फिर स्ट्रेटेजिकली फिट करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. दूसरा, गेटिंग इन टू एंड आउट ऑफ टेक्नोलॉजी मोर एफिशेंटली. दूसरी चीज़ों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ा मशीन लर्निंग जिसे हम कहते हैं बाज़ औक़ात, कंप्यूटर लैंग्वेज हैं आपके पास, कंप्यूटर सिमुलेशंस हैं आपके पास, आपके पास कैट डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं आपके पास फॉर एग्जाम्पल. फिर IoT बेस्ड लर्निंग है, उसमें IoT के अंदर क्लाउड डाटा, क्लाउड मैनेजमेंट और डाटा, बिग डाटा के ऊपर बात बहुत होती है. तो इंजीनियर्स को इन चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ ये कि ट्रांजिस्टर के अंदर करंट कैसे जाता है और ट्रांजिस्टर का वोल्टेज लेवल कैसे मेंटेन होता है, भाई ये तो लाजमी सीखना है. लेकिन आप साथ में ये चीज़ें भी सीखनी है. हमसे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर हमें टेक्नोलॉजी, हम तो इंजीनियर बन रहे हैं, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों पढ़ाई जा रही हैं, हम इंजीनियर बन रहे हैं, हमें इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का कोर्स क्यों पढ़ाया जा रहा है. ये चैलेंजेस हैं न्यू मिलेनिया के, जो आप अगर इक्विप नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे. Assessing and evaluating technology more effectively. That is another big thing. ज़्यादातर टेक्नोलॉजी वो मोबाइल बेस्ड चीज़ें चल रही हैं, ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, स्मार्ट चीज़ें, स्मार्टली आपने कैसे इक्विप होना है चीज़ों के साथ. और ज़्यादा अच्छे मेथड्स निकालें ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज के, न्यू टेक्नोलॉजी के.
और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का टाइम है उसको रिड्यूस करना है आपने। पहले 1 घंटा लग रहा था, अब 30 मिनट लगने चाहिए। वो कैसे लगेंगे 30 मिनट? इनोवेटिव इनोवेट करना पड़ेगा ना आपको, क्रिएट करनी पड़ेगी कोई चीज़। अब हो सकता है कि उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही थी, मशीन के इट सेल्फ टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं थी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से प्रोडक्शन टाइम ज़्यादा था आपका। अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की रिवैम्पिंग उस टेक्नोलॉजिकली रिक्वायरमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर इंजीनियर करेगा या बीबीए वाला बंदा करेगा? जब आप सवाल का जवाब खुद बेहतर समझते हैं कि इंजीनियर ज़्यादा बेहतर इक्विप होना चाहिए इसके लिए। और मैनेजिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड इंटर डिसिप्लिनरी और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम एंड सिस्टम्स लेवरेजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टेक्निकल प्रोफेशनल्स। अब कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो चेंज नहीं होते ओवर टाइम, ऐसा ही है। अब प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग है, ये 1911 या उससे पहले से भी ये चार चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इनके करने के तरीकेकार चेंज होते जा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिसेस चेंज हो जा रही है। क्यों? एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड चेंज हो रहा है, उनके इर्द गिर्द की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं, बिजनेस मॉडल चेंज हो गया। टेक्नोलॉजी पहले कुछ नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 3 बंदों का था, अब 10 बंदों का हो गया, 10 से 100 बंदों का हो गया। रिसोर्सेज हैं, बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं, और दीज चेंजेस की वजह से तो अब बेसिक 4 फंक्शंस तो हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन फर्क मुख्तलिफ हो गई। पहले जावा के थ्रू आप कस्टमर रिसोर्स मैनेजमेंट CRM तो नहीं करते थे ना, पहले जो है स्काडा बेस्ड सिस्टम्स तो नहीं होते थे ना आपके पास। अब स्काडा को इम्प्लीमेंट, पहले आपके पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स तो नहीं थे, पहले लीन या सिक्स सिग्मा तो नहीं थे ना आपके पास। अब आपके पास पहले ये IOBM का जो नया सॉफ्टवेयर है स्पार्क, वो तो नहीं था ना अवेलेबल। अब लोग टेक्नोलॉजिकली कितने इक्विप्ड हैं कि फिंगर टिप के ऊपर उनके सारे की सारी सिमुलेशन चल रही होती हैं। चीज़ें वही हैं, तरीके करने के मुख्तलिफ हो गए। यानी बिरयानी पहले भी बनती थी और अब भी बनती है, लेकिन पहले बिरयानी लकड़ी के चूल्हे पे बनती थी और कितना टाइम लगता था कि सिल पे आप पीसते थे मसाला, अब चूल्हे पे नहीं बनती। अब कौन से गैस के चूल्हे बनती है और ग्राइंडर मसाला पीसते हैं, तो पहले जो 2 घंटे का प्रोसेस था आधे घंटे का हो गया। क्यों? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को हमने इक्विप्ट किया अपने साथ। दैट इज़ वाई इंजीनियर्स आर यू रेडी, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन नीड यू एंड दे आर इन नीड ऑफ दैट इंजीनियर हु इज़ वेल इक्विप्ड टेक्निकली एंड इंटरपर्सनल स्किल्स के साथ। हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों उसके पास एक ब्लेंड मौजूद है, और वो एक ऐसा मल्टी टैलेंटेड टास्कर है जो दूसरे जो जो कस्टमर को भी सेटिस्फाई करता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वैल्यू जनरेट करता है, उनके साथ मैनेजरली वो स्कोप डेवलप करता है और टेक्नोलॉजिकली भी बेहतर इक्विप्ड है। अब एक इंजीनियर को इक्विप्ड होना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा इन चीज़ों के। अगर वो रेडी नहीं है तो प्रॉब्लम है इंजीनियर्स के लिए। तो इंजीनियर्स आर यू रेडी फॉर दोज थिंग्स? अब एक जॉन स्नाइडर, ये क्या कहते हैं, एक आपको मैं टास्क देता हूँ कि एक जॉन, पहले इसको मैं एक एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, कोई सॉल्व नहीं कर रहे लेकिन आपसे एक एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि जॉन स्नाइडर एक बंदा है, कोई इंजीनियरिंग मैनेजर है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसने एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया, ऑन द जो जो प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया उसने, वो रिजल्ट्स उसने पहले किसी चीज़ किसी पास्ट एक्सपीरियंस जो स्टे फेल था उससे जनरेट किए थे उसने, जो कि उसका एक स्टाफ मेंबर है, जो स्टाफ मेंबर ने रिजल्ट जनरेट करके दिए हैं वो उसने प्रेजेंट किए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कि जॉन स्नाइडर। जॉन स्नाइडर ने ये रिजल्ट जनरेट करके दिनको दी। द बोर्ड अप्रूव द प्रोजेक्ट एंड प्रेज्ड जॉन फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क। अब रिजल्ट्स किसने जनरेट किए थे? रिजल्ट्स तो स्टीव ने जनरेट किए थे, लेकिन प्रेज किसको मिला? जॉन स्नाइडर को। अब इस मोमेंट पे जॉन ने जानबूझ के या नहीं, उसने जो है वो स्टीव को मेंशन नहीं किया बोर्ड को कि भाई ये काम तो स्टीव ने किया, एंड उसके थ्रू ही एक्चुअली काम हुआ। आफ्टरवर्ड जॉन को बड़ा थोड़ा बहुत बुरा लगा और उसने फिर रिकमेंड किया स्टीव को एक बोनस अपनी तरफ से ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इन चीज़ों को आप या जॉन की हैंडलिंग कैसे देखें? उसमें क्या टेक्नोलॉजी तो नहीं आ रही ना कहीं? ये पीपल हैंडलिंग है ये मैनेजर, लेकिन इंजीनियरिंग मैनेजर इसलिए क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी के साथ काम करना था, इसलिए इंजीनियरिंग मैनेजर है। लेकिन यहाँ पे किसी मशीन को नहीं हैंडल कर रहा, एक बंदे को हैंडल कर रहा, उसके इमोशंस को हैंडल करना है, तो कैसे हैंडल करेगा? ये है आपके लिए सवाल है, और ये आप ज़रा सोचें इस चीज़ को। दैट इज़ द मेन पॉइंट। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीक आप जो है वो प्लानिंग के चैप्टर के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। इस वीक के लिए यही चैप्टर है, यही इंट्रोडक्शन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।